देखिए मैं मौजूद हूँ रामगढ़ में और यहाँ उपचुनाव हो रहा है और मेरे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह। सिंह साहब, ये दूसरी बार हो रहा है कि आपको उपचुनाव में मौका मिल रहा है। पहले भी बसपा से उम्मीदवार जीता था और वो सीट खाली हो गई थी और आपको मौका मिला था, और अब ये दूसरी बार आपको फिर मौका मिल रहा है, सत्ता आपकी है। कैसे देख रहे हैं, कितना मुश्किल ये चुनाव या कितना आसान? देखिए 2018 में भी दुर्भाग्य से बसपा का प्रत्याशी का निधन हो गया और फिर सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई और बसपा की जगह प्रत्याशी के रूप में जगत सिंह जी आ गए, तो मुझे उपचुनाव लड़ना पड़ा। पूरी सरकार यहाँ थी, फिर भी हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और 24,000 जगत सिंह ले गए, 72 हमारे आए, 83 उनके, थोड़ा अंतर रहा, नज़दीक पहुँच गए। इस बार फिर वही परिस्थितियाँ बनी हैं, इस बार सरकार हमारी है, मैं प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस की तरफ से वही परिवार है। इस बार संभावनाएं जनता कह रही है कि हमारे पक्ष में है और मैं भी जनता की आंखों में देख रहा हूं कि इस बार सफलता मिलेगी। 72,000, 84,000, 72,000, 80,000, ये जो ब्रेक है ये टूट नहीं रहा है ये ब्रिज, और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आप ये इस बार 84-85 हज़ार का ये आंकड़ा अगर पार कर गए तो बहुत कुछ पार लग सकता है। ये आंकड़ा कैसे पार होगा, ये टफेस्ट सीट है। देखिए शीर्ष नेतृत्व ने इस बार मुझ पर विश्वास किया है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार ये जरूर पार होगा, क्योंकि पिछली बार हम ट्रायंगलर में फंस गए, उससे पिछली बार भी ट्रायंगलर में फंस गए, इस बार ऐसा कोई चेहरा अभी तक है नज़र नहीं आता, और आमने सामने जब होगा तो मुझे पूरी संभावना है कि इस बार हम जीत निश्चित है। किस तरीके से होगा ये सीट? पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान के ऊपर आधारित है, बड़े बड़े बयानों के ऊपर आधारित है, तीखे बयानों के ऊपर आधारित है, और यहाँ के बयान तो जो है वो पूरे देश में सफर करते हैं, और आपके लिए कहा जाता है कि सुखवंत सिंह उतने तीखी बात और तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करते। देखिए मैं प्रधान रहा 2010 से 2015, मैं सिस्टम चलाना जानता हूँ, तीखा मैं हूँ लेकिन अपने काम के प्रति तीखा हूँ, लेकिन जो कोई लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ करेगा, जो कोई वैसा कृत्य करेगा, उसको वो कभी हम उसके साथ नहीं है, वो नहीं बख्शा जाएगा। साइबर क्राइम यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में होता है, उसका भी पड़ोसी हमारे ज़िले में भरतपुर में बहुत बड़े स्तर पर इसमें धरपकड़ हुई है, यहाँ भी हम उसको चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ में रिलैक्स देंगे, सरकार हमारे साथ है, सरकार के हमारे बड़े नेता हमारे साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बड़े नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी, जवाहर बेडम जी, सबका आशीर्वाद है कि हम इस बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। वो मानते हैं हम कि सब आपके साथ हैं, आपके साथ एक बड़ा नाम भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर आपके लिए जरूरी तो वोटर है, इस वोटर को आप कैसे लेके आओगे, क्योंकि आपकी विधानसभा में जो सामने वाला पक्ष है वो बल्क वोटिंग करता है, और आप जिस समुदाय से या जिस टिकट पे आप चुनाव लड़ रहे हो वहाँ लोगों को घर से खींच के निकालना पड़ता है। आपकी बात सही है, लेकिन मैंने पिछले एक्टिव जो मेरी पॉलिटिक्स है 2005 से है, तो पिछले जो 18-19 साल में मैं एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जुड़ा हूँ। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 74,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात है, तो वो इसलिए मुझे मिले कि लोग मेरे साथ पॉलिटिकली नहीं जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ मन से जुड़े हैं, वो खुद चुनाव लड़ते हैं, हर वोटर यहाँ सुखवंत है, इसलिए वो पूरी निगाह रखता है, और इस बार वो कभी चूकेगा नहीं, क्योंकि दो बार उसके साथ छल हो चुका है और इस बार मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। 80-85 हज़ार वोट तो आप फाइनल मानते हो, 30-35 हज़ार हर बार कोई ना कोई बीच में से आपके निकाल के ले जाता है, अगर वो वोट भी ऐड हो जाते हैं तो क्या है ये जीत का आंकड़ा बन जाएगा क्या? पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हमारे बीजेपी के प्रत्याशी के भी 35,000 करीब आए और हमारे 74,000, तो हम 1,00,000 प्लस कर गए, तो कहीं कोई दोराय नहीं है अगर हम एक इकट्ठे होकर लड़ते हैं, और इस बार हम सभी पक्ष एक जगह हैं, छोटा मोटा मन मुटाव था कल, वो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको दूर किया है, और सभी हम कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और आपस में सभी का कोऑर्डिनेशन है और सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आपने अभी कहा कि पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी जय अहुजय का ये कहना है कि पिछले 10 महीने में जो मेहनत की है रामगढ़ के अंदर, लोगों ने उनको नेता बना दिया, आप कह रहे हो आपके लोगों के साथ में सीधा जुड़ाव है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीजेपी किस पे चुनाव लड़ रही है? देखिए पिछले उनका कहना है कि वो 8-10 महीने उन्होंने काम किया, उनका काम भी हमारे साथ है, और मैं तो लोकल हूँ, यहीं रहता हूँ, मैं तो सुबह जागते ही 100-200-500 लोगों से मिल लेता हूँ, और पिछले मैंने आपको बताया कि 18-19 साल से लगातार मैं जनता के बीच में हूँ, हम तो रात को 3-3 बजे तक थानों में बैठकर जनता का काम कराते हैं, वो लोग भूलते नहीं हैं,
तो मेरा आपसे एक बार पुनः यही निवेदन है कि इस सीट को इस बार कमल जरूर खिला के छोड़ेंगे हम। सभी कार्यकर्ताओं का मन है, सभी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उसका भी आशीर्वाद है। और मैं आपको एक बार यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस उपचुनाव में कांग्रेस से ये सीट छीनेगी। जीत का बेस क्या होगा आपका? बेस तो हमारे वोटर है, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है। रामगढ़ की बेसिक जरूरत क्या है? रामगढ़ इतने साल बाद भी दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली तक सड़क जाती है, जयपुर तक सड़क जाती है, पर सुखवन जी वो रामगढ़ नहीं है जो रामगढ़ होना चाहिए। इतने साल में भी क्यों नहीं है, और अगर आप जीतते हो तो ये रामगढ़ वैसा कैसे होगा? देखिए, क्यों नहीं का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी हम मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। जो यहां बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारे ERCP है, उसमें रूपा रेल को नहीं जोड़ा गया था DPR में। हमारे बड़े नेता हैं, यहाँ सांसद बने, अब केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हमने निवेदन किया, वो इसको पूरी तरह प्रयासरत हैं कि रूपा रेल को ERCP की DPR में जोड़ा जाए, जिससे कि पूरे क्षेत्र में जो वाटर लेवल नीचे चला गया वो आए। हमारे तिराहे तक 4 लेन है, आगे सिंगल लेन है, तो उसके लिए प्रयास है कि उसको हम 4 लेन करें। हमारे यहाँ ओवरब्रिज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, इस तरह के मन में सपना है। हमारे गौशालाएं, गौ माताओं के लिए कोई ऐसा संरक्षण नहीं है, कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ गौ माताएं सड़कों पर विचरित रहती हैं, तो उनके लिए हमारे मन में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरीके की बेसिक बस रेलवे स्टेशन भी अभी हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी ने यहाँ प्रयागराज ट्रेन का ठहराव अभी 10 दिन आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही करवाया है। नहीं है कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ गौ माताएं सड़कों पर विचरित रहती हैं, तो उनके लिए हमारे मन में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरीके की बेसिक बस रेलवे स्टेशन भी अभी हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी ने यहाँ प्रयागराज ट्रेन का ठहराव अभी 10 दिन आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही करवाया है। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ होने जा रहे हैं। एक वेस्ट टू वेल्थ बगड़ राजपूत हमारे विधानसभा में पड़ता है, उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट का सपना है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। उन्होंने उसका फर्स्ट फेज में 10-12 करोड़ का वो प्रोजेक्ट एक शुरू कराया है। तो इस तरह के बड़े कई सारे काम हैं जिनको हम, एक पनियाला मोड़ है, वहाँ से अपन कनेक्ट हो रहे हैं मुंबई दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक्सप्रेस वे दिया है उसके साथ साथ औद्योगिक विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो भी हमारे क्षेत्र में से होकर निकलता है। इस तरह की बहुत संभावना है। भीतर घात इस बार रोक तो नहीं देगी कमल को खिलने से? नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे कार्यकर्ताओं पर यकीन है, और कार्यकर्ता भीतर का तब करता है जब कहीं उसको कहीं छल दिखे। मैं तो जैसा बाहर से हूँ ऐसा ही अंदर से हूँ, तो कार्यकर्ताओं का मुझ पर यकीन है, वो भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो छल नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और अच्छा ही होगा। तो देखिए साहब, मैं जैसा बाहर से नजर आता हूँ वैसा ही मैं भीतर से भी हूँ, ये मेरे कार्यकर्ताओं को पता है और मेरे कार्यकर्ता मुझ पर पूरा यकीन करते हैं। 74,000 से 84,000 के बीच में वोट आते रहे हैं पिछली 2 बार से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फेर घूमा कि वो 30-35 हजार वोट इन्हीं की झोली से किसी और को चले जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ सुखवंत सिंह अपने नाम के आगे विधायक नहीं लगा पाए। पर इस बार स्थितियां शायद बदली हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट है, विरोधी साथ आ चुके हैं, सब एक स्वर में नजर आ रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि इस बार हम यहां पे कमल खिला के रहेंगे। तो जुड़े रहिए, है, देखते हैं नतीजा क्या रहता है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आप यहाँ पधारे, हमारे क्षेत्र में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।